तो आज हम बनाने वाले हैं हरी चटनी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होगी और आप इसे 2 दिन के लिए फ्रिज में रख के एंजॉय भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप पानी लिया है, ज़ीरा लिया है 1/4 टीस्पून, नमक लिया है 1/4 टीस्पून, लहसुन की कली ली है 7 या 8 और 3 कटी हुई मिर्च ली है। ये मिर्च वड़ा पाव में जो दी जाती है वो वाली मिर्च है। तो यहाँ पर फ्रेश धनिया लिया है जिसे पानी से धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। एक मिक्सर जार में हम लहसुन, मिर्च, नमक और ज़ीरा डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 चम्मच के करीब और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो चुकी है और इसी के साथ हमारी हरी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं आलू के पराठे के साथ और वेज सैंडविच या फिर नॉन वेज सैंडविच के साथ। आप इसे 2 दिन के लिए फ्रिज में रखोगे तब भी ये ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।